आइए देखिए। मेरे तो समझ में ना आ रहा है क्या तरीका है कि बाबूजी ऊपर से आएंगे फिर बताएंगे कि संदूक खोलना है ना खोलना है। ठीक है तेरी इच्छा इलायची तो चल पूछ ले तू, चल बाबूजी से पूछ ले। अरे जीजा यार तुम पूछ लोगे तो दादाजी गमला फेंक के ना मारेंगे, कुछ तो थोड़ा बहुत काम कर लिया करो यार तुम तो। मैं अपनी जबान बंद रख सपोले। अरे इलायची के पापा बाबूजी के सामने तो उल्टा सीधा मत बोलो, चटन के भैया को मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे प्लीज 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं पहले दादाजी से बात कर लूं प्लीज। दादाजी पापा को लगता है कि आपके संदूक में ना चूहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप नहीं चाहते कोई आपका संदूक देखे खोले, है ना? तो लेकिन फिर भी आपकी थोड़ी भी मर्जी हो ना तो आप ये जो फूल है ना, ये वाला फूल ये नीचे गिरा दीजिएगा तो हम समझेंगे कि हम संदूक खोल सकते हैं, और अगर आपने नीचे नहीं गिराया ना तो हम समझ जाएंगे कि आपकी मर्जी बिल्कुल भी नहीं है। ओके दादाजी वी वेटिंग। इलायची के पापा जवाब तो अब तक ना आया। तुझे क्या लग रहा है कि बाबूजी ऊपर से नीचे आकर के जवाब देंगे कि हाँ खोल लो संदूक या ना मत खोलो संदूक? बाबूजी वो आपकी बहू थोड़ी सी क्रैक है, कुछ समझ ना पा रही है ये। देखिए स्वर्ग तक मैसेज जाने में ना वक्त लगता है, दूर है ना वो, डिस्टेंस है बहुत। मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ दादाजी, अगर आपकी इच्छा हो तो आप ये फूल नीचे गिरा दीजिए, और नहीं तो मत गिराइए, लेकिन फिर भी गिराएंगे। नहीं नहीं मन नहीं लग रहा है दादाजी का, नहीं वो नहीं चाहते हैं, है ना? नहीं चाहते हैं ना, है ना? अरे जोर से ठोकना, समोसा नहीं खाया क्या? संस्कार है तुझमें। बाबूजी धन्यवाद बाबूजी, आपने ना इजाजत दे के हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया। चलो चलो इससे पहले चूहे भागे संदूक खोल के देखते। हाँ, चलो चलो, चलो। बाबूजी आ गए, आजा 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 भैया आप तो खोल ले। चलो भैया चलो। ये क्या कर दिया दादाजी? सेठ जी खोल लीजिए संदूक। क्या कहा था तूने कि संदूक में चूहा है? चलो अच्छा है कि संदूक में चूहा नहीं घुसाता, वरना कहीं दादाजी खुद ही भगाने आ जाते। ओके सेठ जी हम भी आते हैं। इलायची के पापा ये इलायची क्या भूल गई, मेरे तो भाग ही फूट गए। जीजा जी आपने तो आज बचा ही लिया। अरे यार सर्टिफिकेट ऐसे छुपा है ना जैसे कि मैं एग्जाम में भर्रे छुपाती हूँ।
देखिए इलायची जी, वो क्या है ना कि जब स्कूल में फर्रा पकड़ा जाता है ना तो सिर्फ क्लास से बाहर निकाला जाता है, और अगर यहाँ पे सेठ जी हमें पकड़ लेते ना तो सीधा हमारी वन वे टिकट कर देते आगरा की। फिर आप करते रहना जीजाजी जीजाजी। इतनी आसानी से विदाई नहीं कर रहे अपने दामाद की, और वैसे भी सब कुछ हो गया है, सो वरी नॉट, चिल करो। इलायची जी, ये ना हमारी खुशकिस्मती है कि हम बच गए। बार बार सेठ जी हमें धप्पा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम फिर भी बच रहे हैं, आप इस बात को समझिए। और इलायची जी, हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीज इलायची जी सुनिए। हेलो, हाँ? ये सर्टिफिकेट फाड़ दीजिए प्लीज। हाउ डेयर यू, सर्टिफिकेट कैसे फाड़ दूं मैं? पहले भी बोल चुकी हूं, सर्टिफिकेट नहीं है बल्कि सरकार की तरफ से ना एक पत्नी को, एक पति को हमेशा परेशान करने का ना एक परमिशन लेटर दिया गया, और इसे मैं नहीं फाड़ूंगी, इसे अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखूंगी। यस इलायची जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, अगर हम आपसे कभी भी जुदा हो गए तो हम ये चीज बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। आई लव यू इलायची जी। आई लव यू टू। पता तभी मैंने कुछ किया है, मैंने ना सर्टिफिकेट टेम्प्रेरी ना पापा के गत्तों के बीच में रख दिया है। हाँ, अब गद्दे हैं, चादर तो है नहीं कि झाड़ झाड़ के मतलब ढूंढेंगे, इसलिए किसी को पता नहीं चलेगा। और बस टाइम मिलते ही ना मैं दादी के पास ही सर्टिफिकेट पहुंचा दूंगी, बस हिफाजत से रख लेंगे, सिंपल। इलायची के पापा, इलायची के पापा। अरे क्या, अरे क्या हो गया? इलायची के पापा, चूहे, चूहे, इलायची के पापा, चार पांच चूहे वे भी गद्दे में घुसे हैं। गद्दे में? अरे यार तुम्हें क्या बोलूं मैं यार, कितनी बार तुमसे जीजी ने कह के गद्दा फटा हुआ है, गद्दों के अंदर चूहों ने बना लिया अपना घर, तुम मेरी सुनते कहां हो यार, अपनी चलाए पड़े रहते। बकवास मत कर, तू चुपचाप खड़ा रहा है यहाँ पे। एक काम कर, गद्दे को उठा, गद्दे को उठा के बाहर ले चलते हैं और उसमें डंडे मार मार के इसमें से जो है चूहे झाड़ देते हैं। ठीक है, जा उठा गद्दा, उठा जल्दी, देख रहा हूं, जा। तू ना उठा रहा ना तो चल मैं ही उठा लेता हूं उस गद्दे को। बात कर रहा बेकार की, सेठ जी हम आपको इस गद्दे के साथ दुर्व्यवहार नहीं करने देंगे। कैसी बात कर रहा है तू? सेठ जी, आप इस गद्दे को डंडा मार मार के इस तरह से झाड़ नहीं सकते। दो टके की जितना है तुम्हारी माफ करना। गद्दा किसका है? सेठ जी आपका। डंडा किसका है? आपका। तो इसके साथ क्या करना है ये तू बताएगा या मैं बताऊंगा? हम बताएंगे। दो टके की जितना है तुम्हारी। देखिए ना सेठ जी, आप याद करिए वो दिन, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी इलायची जी इसी गद्दे पे तो पैदा हुई थी। इस पे पैदा ना हुई थी इलायची, अस्पताल में पैदा हुई थी। हाँ तो सेठ जी, आप इस गद्दे पे रोज सोते हैं, आपके सुख दुख का साथी है, आपके आराम का साथी है, और सेठ जी कितने हसीन पल भी तो बिताए आपने। देख रही है साथ में की बातें, माफ करना, दो टके की इज्जत ना है तुम्हारी भैया। सर,
बहुत बकवास कर ली तूने। चल उठ, अब इस गद्दे को उठा और बाहर ले जा। चल, मैं कह रहा हूँ तू उठ और चल। अरे यार, अब कौन सा नया तमाशा हो गया? और चल। क्या हो रहा है यहाँ पे? थैंक गॉड इलायची जी आप यहाँ पर आ गई। देखिए ना इलायची जी, ये इस गद्दे को ऐसे बाहर ले जाके इसे डंडे से मार मार के चूहे भगाने की बात कर रहे हैं। आप देखिए ना इलायची जी, इनकी भी इस गद्दे की भी कोई फीलिंग है कि नहीं? दो टके की इज्जत ना है तुम्हारी, माफ करना। तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है? एक मिनट पापा, आपको दिख नहीं रहा जीजा जी कितना भावुक हो रहा है यहाँ पर? मतलब आपका गद्दा तो उन्हें क्या फर्क पड़ना चाहिए? लेकिन फिर भी वो नहीं चाहते कि आपकी पुरानी चीज का ऐसा बुरा हाल हो, है ना? जी जी बिल्कुल इलायची जी, हम आपकी बात के साथ बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन देखिए ना, इन्हें समझाने के चक्कर में हमारा गला जो है ना भर आया है। कोई बात नहीं, हम इस गद्दे को समझाएंगे और इसे कोशिश करेंगे कि इतना बुरा ना लगे, है ना? ओके ओके, बिल्कुल ठीक। तू कैसी बात कर रही है? तू इसके सुर में सुर मिलाई जा रही है, कैसे समझाएगी तू, ये बता। पापा, पिंटू भाभी ने मुझे बताया था कि ये ना पुरानी बचपन की चीजों को लेकर बहुत पागल हो रहे हैं, मतलब एकदम भावुक। समझाना पड़ेगा मुझे, समझो करो। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अच्छा तू कैसे समझाएगा इस गद्दे को, ये बता। सर जी, इसके कान में बोल के। अच्छा कान में, कहाँ है कान, बता। क्या 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 कर रहे हैं आप? उसकी कान में बैठने वाले थे। कान पे बैठ गया जी। अब जाइए प्लीज, मैं समझाएंगे हम इसको और फिर सूद देना आके। चल चल, तू समझा इसे, समझा, लेकिन इसे समझा दियो, इसे समझा के यो बता रहा हूँ मैं। चल चल, आजा, चल चकल मत देख, आजा, जाओ चल, बता रही हूँ मैं, जाओ जाओ। बच गए, थैंक गॉड। इसको सब करा रहे मुझे। अरे यार, अभी तो एक घंटा बाकी है, आराम से जाऊंगा। इस साले पिंकी की प्रमोशन की गाड़ी पंचर करने का यही तरीका है। पिंटू जी आप? अरे मंगीलाल जी आप, अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए, मैं ना थाने ही जा रही थी अभी। अच्छा, आप इधर थोड़ा सट जाइए, मतलब बारिश हो रही है ना, भीग जाएंगे आप। थाने क्यों, क्या बात हो गई, किसकी हिम्मत हो गई जो आपको छेड़े? आप तो दो चार को ऐसे मुंह पे दबा के थूक देते होंगी ना। हाँ, वो तो मैं थूक देती हूँ जी, नहीं मतलब वो तो मैं निपट लेती, लेकिन दरअसल क्या ना कि ये मामला थोड़ा आपसदारी का है। अरे वो है ना सोनपाल, निकल लिया क्या? अरे निकल ना लिए, आजकल बहुत शरारती हो रखे वो ना, मजाक में हम पे नकली वाले चूहे छोड़ देते। हाँ। और मुझे लगता है चूहों से डर। हाँ। तो मैं चूहों से डर के ना, फिर मेरे सामने जो खड़ा होता मैं उससे ऐसे चिपट जाती हूँ। ओ, जानकारी के लिए शुक्रिया। क्या मतलब? जी 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 जी, सोनपाल बड़ा बदतमीज आदमी है, तो आपको थप्पड़ जाना चाहिए ना। नहीं नहीं, थप्पड़ वाली बात नहीं, आदमी तो भले ही, ऐसी कोई बात ना, लेकिन क्या ना कि अभी पत्नी के गम में थोड़ा सदमा लग गया है, तो थोड़ा भटक जाते हैं। देखो हम चाहते ना आप उन्हें थोड़ा समझा दो। अरे पिंटू जी, आपने कह दिया मतलब हो गया, थोड़ा क्या, हम तो पूरी तरह से समझा देंगे। आप ना, आप एक काम कीजिए, ये कंप्लेन ना दरोगा साहब के पास जाके लिखवाइए, वो क्या है ना ऐसे इंसान को ना अच्छी तरह से सुधारता है। तो ठीक है, तो मैं अभी थाने चली जाती हूँ, वहाँ लिखवा देती हूँ। अरे अभी क्यों, क्यों अभी? क्या दरोगा जी खाना बना रहे हैं? ना ना, खाना ना बना रहे हैं, वो क्या है ना कि जरूरी काम में बिजी होगा, एक केस आया ना बहुत जरूरी है, तो उसको सुलटा रहा होगा। सुलटा रहा होगा मतलब रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, तो जैसे वो फ्री होंगे तो फिर मैं आपको कॉल करूंगा। हाँ। फिर आप आ जाइए। ठीक है मंगीलाल जी, भूल ना जाना, हमको बता जरूर देना, है ना? पिंटू जी आपने कह दिया काम हो गया, और मैं ना भूलने वाला, कॉल करूंगा ना आपको। ठीक है तो जाइए अभी।
हाँ पानी बरस रहा है। अच्छा छाता भूल आई मैं ना। लो जी। अरे वाह आप ना जब हम दोबारा आएंगे तो दे देंगे छाता आपको। हाँ, ठीक है जी जी आराम से जाइए। साले पिंकी अब तेरे कुकुर मुत्ते मैं बोऊंगा। फिर बोलना बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। पापा हमने गद्दे को ना अच्छे से समझा दिया है, अब जितना मर्जी हो उतना झाड़ लीजिए। ओके अच्छा अगर गद्दे ने मुंह बना लिया तो और उसके बाद मुझे कोसने लगा तब मैं क्या करूंगा। नहीं सेठ जी गद्दे की अब कोई फीलिंग्स नहीं बची है। दरअसल गद्दे ने हमें ये कहा कि आप चाहे जितना मर्जी उखाड़ लें जितना मर्जी झाड़ लें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी इच्छा है सेठ जी। हाँ और क्या भाई जिस गद्दे पे इतनी भारी भरकम जो है करूं बैठी हो उसकी भावनाएं तो वैसे ही कुचल गई होंगी। लड़की के पापा उड़ा लिया मेरा मजाक फिर तो भागे फूट गए। चलिए सेठ जी प्रणाम। एलाइची समझा ले ऐसे टंटन को अभी ये गद्दे में और तकिए में जो है भावनाएं खोज रहा है, कल के दिन ये कहने लगेगा कि मेरे दुकान के लहंगे जो है बेवफा निकले। जी पापा बिल्कुल ओके बाय। हां सुनो दो टके की इज्जत ना है तुम्हारी कसम से बुरा मत मानियो। तो भाग ही फूट गए। वाह 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 अपना मतलब लुटे ये जो तूने मतलब अपनी उंगलियों से ऐसे पिंकी जी के सर पे मतलब ऐसा कद्दूकस किया ना और बॉडी में भी आ रहा मतलब पिंकी जी को मजा आ गया। पिंकी जी बोल रहे मैं अच्छा है कर कर सच्ची बता रहे हो तेरे सब कसम से। हाँ मैं गर्दन भी ना बहुत अच्छे से दबाता हूँ। दबा दूं अबे फोन बज रहा तेरा एक पिंकी जी का है मेरा है यार एक पिंकी जी का पता नहीं किसका फोन आ गया नंबर भी नहीं। हाँ हेलो दरोगा पिंकी कमिश्नर बोल रहा हूँ। अपना मतलब गुड मॉर्निंग सर। नहीं मतलब ऐसा हो रही है कि आज आपकी आवाज बहुत बदली बदली लग रही है पापा। यही मात खा गया तू। हाँ जी एक सच्चा पुलिस वाला हमेशा आवाज चेंज करके बात करता है तू भी कर। अच्छा खैर छोड़ो ये बताओ वर्दी का क्या हुआ। मैं आ रहा हूँ इंस्पेक्शन के लिए। सर अपना हेलो है हाँ ये ठीक है। हेलो हाँ सर नहीं मतलब बात ये हो रखी है सर कि जो पिंकी जी की वर्दी है ना वो लगभग रेडी है मतलब रास्ते में। मतलब सर आप ना इतनी जल्दी मत बताइए रुकना यार तू मतलब आना ना आपको नहीं सर वो मतलब आप एक घंटे की मोहलत और दे दीजिए पिंकी जी को। हाँ जी एक घंटे में कौन सा तीर मार लेगा तू। ठीक है एक घंटा दिया और सुन हाँ बिना वर्दी के नजर आया ना तो तू वर्दी पहनने के लायक नहीं रहेगा। हाँ सर समझ गया सर समझ गया सब समझ गया सर थैंक यू जय हिंद सर। मनहोश इंसान। हाँ कर क्या हुआ दरो सब ना ना हो गया यार सब सत्यानाश हो रहा है यार आ जा आ या लेकिन वर्दी कहाँ दिलाए भी मंगी भी ना आया। वह साहब जी अरे हाँ हाँ अपना वो तुलाराम है ना दल जी। हाँ बोल उसके बुआ की ताई को ना हार्ट अटैक आ गया तो वो बोल रहा था कि मतलब वर्दी दो दिन के बाद मिलेगा। अरे यार मंगीलाल तू क्या बात कर रही है तू ऐसा मत बोल पिंकी जी किसी को मुंह दिखाने लायक ना बचेंगे। बढ़िया है साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मतलब आपके साथ ना बढ़िया ना हो रही है। हाँ ना मतलब तू ये सोच मतलब पिंकी जी टेंशन में आ रही है पता है मतलब अगर वो कमिश्नर साहब जो है ना
अबे रुक जा रहा है तू बारिश के लिए। अगर कमिश्नर साहब ने पिंकी जी को बगैर वर्दी देख लिया ना तो मतलब तू सोच मतलब पिंकी जी का क्या होगा। कुछ नहीं होगा साहब जी, मुझे पता है कमिश्नर साहब आपको बिना वर्दी के देखेंगे ना तो आपकी पैंट उतार देंगे। मतलब मैं तो ये कह रहा था कि आप चिंता ना करो, मैंने ना होटल में आपके लिए कमरा बुक किया है। हैं? आप वहाँ जाइए, आराम से रहिए और जब तक मामला शांत ना हो जाए अपनी गीदड़ जैसी शक्ल मतलब अपनी ये प्यारी भोरी शक्ल किसी को ना दिखाए। हैं? और साहब जी फाइल की बात है तो वो मैं ले आऊंगा आपके पास, वही बैठ के काम करना आराम से। अरे वाह वाह मंगी लाल, तू पिंकी जी के लिए इतना सोच रही है। पिंकी जी यहाँ बैठे बेकार में ना तुझे मतलब गंदी नाली का कीड़ा, वो इतना खुजली वाला कुत्ता, दो कौड़ी का इंसान, घटिया मतलब एकदम ही फालतू एकदम बेकार सोच रही है। तू निकला सच्चा अफसर पिंकी जी का, तू ही है बस। हाँ साहब जी, हाँ जी, आपको भी नहीं पता कि मैं अपने दिल में आपके लिए क्या क्या दबाए बैठा हूँ। ठीक है मंगीलाल, पिंकी जी ना अब यहाँ से चलते हैं क्योंकि बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ।